अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अपैक इंटरप्राइजेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कि हाईवेल स्कैडा के अंदर एक पॉपअप डिस्प्ले मैसेज को या एक डिस्प्ले विंडो को कैसे ओपन किया जाता है और कैसे क्लोज़ किया जाता है और उसकी क्या लोकेशन होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी ऐड डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं, डिस्प्ले का नेम डिसाइड करते हैं, हम लिख लेते हैं मैसेज विंडो। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे हमारे सब विंडो के ऊपर, ठीक है। सब विंडो क्लिक कर दी और इसके बाद हम इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिफ़ॉल्ट साइज़ रख सकते हैं, मैं इसका ये वाला साइज़ रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये साइज़ सेलेक्ट कर लेना है और सब विंडो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप इसको ओके पे क्लिक कर दें। आपकी एक ये विंडो डिस्प्ले हो गई है, मैसेज की पॉपअप विंडो है। इसका हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक कलर रख लेते हैं, जो भी हम रखना चाहते हैं। मैं इसका ये वाला कलर रख देता हूं और इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद एक पिक्चर ऑपरेटेड बटन ले लेते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन पॉपअप डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। यहाँ से इस मैसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म बॉक्स कर लेते हैं और इसकी शेप पे चले जाते हैं, शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। शेप में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बटन वगैरह इस पे कर सकते हैं, सिंबल वगैरह पार अदर भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो साइन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे एक टेक्स्ट शो करवा देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, योर मैसेज डिस्प्ले हियर, ठीक है। इसको करके सेव कर लेते हैं। अब मेन डिस्प्ले जो मेरी थी, ये मैंने एक और प्रोजेक्ट के लिए बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं इसको यहाँ टॉप पे इसको डिस्प्ले कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ ओपन पॉपअप डिस्प्ले। और पॉपअप डिस्प्ले क्या होगी? ये होगी मेरी मैसेज विंडो डिस्प्ले होगी। अब यहाँ से हमने इसकी सिलेक्शन करनी है, इसकी पोजीशन की सिलेक्शन होगी, ठीक है, कि इसको पूरी डिस्प्ले में किस जगह पे हमने इसको शो करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन निकल कर आए हैं यहाँ पे ये देखिए, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएंगे। अभी ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप लेफ़्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें एक्स एक्सिस, हम पूरी इस डिस्प्ले पे जहाँ पे दिल करेगा वहाँ पे हम इसकी एक्स एक्सिस डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल सेंटर में क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देते हैं इसको। और इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा क्लोज का विंडो था, ठीक है, और सॉरी ये क्लोज़ करना था, यहाँ पे हमने क्लोज़ करना था और यहाँ पे हमने इसको ओपन करना था, ठीक है। यहाँ से हमारा पॉपअप डिस्प्ले है और वहाँ पे इसका डिस्प्ले ऑफ है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और अब हमारे पास इसके एडवांस कंट्रोल्स में आ जाते हैं और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है अपना सब स्क्रीन को के डिस्प्ले जो जहाँ पे हमने करवानी है इसको। तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले आया, इसको डबल क्लिक करते हैं। इस पे विंडो मैंने क्या करनी है, यूज़ फिक्स विंडो कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप यूज़ फिक्स विंडो नहीं करते हैं तो यहाँ से आप कोई भी नंबर वगैरह चूज़ कर सकते हैं जो कि डिस्प्ले होंगे यहाँ पर, ये एज़ पर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिक्स विंडो करते हैं और यहाँ से मैसेज विंडो पे डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। और इसको अब हमने कर दिया सेव। इसके सेव करने के बाद ये यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है और अब हम इसको करते हैं
अपना ऑफलाइन सिमुलेशन करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। यह हमारी जनरेट रन फाइल जनरेट हो चुकी है और हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से स्कैडा स्टार्टिंग पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आप देखें ये डिस्प्ले सामने शो हो रही है। इसको हम यहाँ से पॉप अप कर क्लिक करके बंद कर देते हैं और यहाँ से हम इसको एक मिनट, अभी लोडिंग हो रहा है हमारा ये पेज, थोड़ा सिस्टम स्लो होने की वजह से ये थोड़ा डिले कर रहा है। ये यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमारा ऑपरेशन श्योर मांगता है, श्योर करते हैं। हमारे यहाँ पे योर मैसेज डिस्प्ले हेयर का ऑप्शन शो हो जाता है। इसके बाद हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वो कंफर्म करता है कि आप इसको बंद करना चाहते हैं। इसको ओके कर देते हैं, हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। तो हमें याद रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।